तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TVS रेडियोन BS6 बाइक की और इस बाइक के क्या न्यू फीचर्स हैं वो आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बाइक में हमें क्या न्यू फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसकी हेडलाइट में आपको LED बल्ब्स मिल जाते हैं, DRL मिल जाता है। इसकी बैकलाइट में आपको LED बल्ब्स मिल जाते हैं। इसके इंडिकेटर में आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको दो टेलीस्कोपिक शॉकर मिल जाते हैं। और अगर हम इसके रियर शॉकर की बात करें तो वो आपको हाइड्रोलिक टाइप शॉकर मिल जाते हैं। एक साइड स्टैंड मिल जाता है, एक डबल स्टैंड मिल जाता है। फ्रंट में दो मिरर मिल जाते हैं। बात करें अगर हम इसके टायर्स की तो ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक भी मिल जाती है और डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है इसके अलग अलग मॉडल के अनुसार। बात करें अगर हम इसके सीट की तो इसमें आपको लंबी सीट मिल जाती है। बात करें अगर हम इसके प्राइस की तो 60,690 रुपये से लेकर 75,243 रुपये तक की रेंज में आपको ये TVS रेडियोन BS6 बाइक मिल जाती है। बात करें अगर हम इसके फ्यूल टैंक की तो 10 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी मिल जाती है। और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके लंबाई की तो 2,025 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई मिल जाती है। बात करें अगर हम इसके व्हील बेस की तो 1,265 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। और अगर हम इसके कर्ब वेट की बात करें तो 118 किलोग्राम इसमें आपको कर्ब वेट मिल जाता है। इसकी हेडलाइट में आपको LED बल्ब्स मिल जाते हैं, DRL मिल जाते हैं, और आप अलग से भी इसमें हाई क्वालिटीज़ वाला LED बल्ब्स लगवा सकते हैं इसके हेडलाइट में। बात करें अगर हम इसकी चौड़ाई की तो 705 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई मिल जाती है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन, अगर हम इसके इंजन पावर की बात करें तो 8.19 PS से 7,350 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। बात करें अगर हम इसके स्ट्रोक की तो 48.8 mm इसमें आपको स्ट्रोक मिल जाता है। और अगर हम इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 8.7 Nm से 4,500 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो टॉर्क प्राप्त करता है। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है। और अगर हम इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो वो आपको एनालॉग मिल जाता है। और अगर हम इसके ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चैन ड्राइव है। इंजन की बात करें तो 109.7 cc का इसमें आपको इंजन मिल जाता है। क्लच की बात करें तो वेट मल्टीपल डिस्क क्लच मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये एयर कूल्ड है। और अगर हम इसके इंजन टाइप की बात करें तो 4-स्ट्रोक ड्यूफ लाइफ इंजन मिल जाता है। स्टार्टिंग टाइप की बात करें तो किक और सेल्फ दोनों आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो 4 गियर्स में आपको ये बाइक मिल जाती है। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन लगाया गया है। और अगर हम इसके इमिशन टाइप की बात करें तो ये BS6 है। बोर की बात करें तो 53.5 mm इसमें आपको बोर मिल जाता है। और अगर हम इसके चेसिस की बात करें तो सिंगल कार्डिल ट्रिपल फ्रेम इसमें आपको चेसिस मिल जाती है। बॉडी ग्राफिक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से मिल जाती है जिससे जो कस्टमर है वो इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और अगर हम इसके बॉडी टाइप की बात करें तो ये कम्यूटर बाइक है। टायर्स की बात करें तो ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। व्हील साइज़ की बात करें फ्रंट की तो 457.2 mm मिल जाता है। और अगर हम इसके रियर व्हील साइज़ की बात करें तो 457.2 mm मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें तो वो 240 mm मिल जाता है। और अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें फ्रंट की तो 2.7518 नंबर का इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। रियर टायर साइज़ की बात करें तो 3.75 नंबर का इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। बात करें अगर हम इसके रियर ब्रेक डायमीटर की तो वो 110 mm मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर्स की बात करें ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। लंबी सीट मिल जाती है। न्यू कलर्स, न्यू फीचर्स के साथ आपको ये बाइक मिल जाती है। फ्रंट में आपको दो मिरर मिल जाते हैं। और अगर हम इसके सीट की बात करें तो इसमें आपको लंबी सीट मिल जाती है जिससे 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं।